हेलो बच्चों मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं आप सभी का वैदिक मैथ के लेक्चर नंबर दो में तय दिल से स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एलेवन का किसी भी टू डिजिट संख्या से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक जिन बच्चों ने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है वो लोग जाकर उस वीडियो को देख लें इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि 11 का तीन डिजिट अंक के साथ मल्टीप्लाई बिना मल्टीप्लाई के बिना मल्टीपल किए कैसे करें जैसे दे रहा है वन थ्री फोर इसमें इस, इस एलेवन का मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग हम लोग कैसे करते हैं ऐसे पहले करते हैं ग्यारह चौक चवालीस की चार हासिल लगा आ जाएंगे चार ग्यारह तई तैंतीस तैंतीस चार हो जाएंगे सैंतीस ग्यारह एकम ग्यारह और ग्यारह तीन हो जाएगा चौदह ये आएगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा लेकिन हम लोग बिना कैलकुलेशन के कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे कि जैसे दे रहा था वन थ्री फोर इंटू एलेवन एलेवन से मल्टीप्लाई इससे आपको मतलब नहीं ये डिजिट जैसे दिया इसको ऐसे ही लिख देंगे ठीक है पहला स्टेप इस, इस वाले को इससे एड करेंगे तो चार तीन कितना हो जाएगा सात फिर क्या करेंगे इस वाले को इससे एड करेंगे तो तीन और एक चार इस वाली संख्या को ऐसे ही लिख देंगे वही आ गया आंसर फिर से समझेंगे जैसे आपको दे रहा है थ्री टू वन इसका मल्टीप्लाई करना है आपको इलेवन से इससे आपको मतलब नहीं क्या करना है इस वाले डिजिट को ऐसे ही लिख देना है इसको इससे ऐड करना है तो एक में दो ऐड करेंगे आएगा तीन इस वाले को इससे ऐड करना है तो तीन दो कितना हो जाएगा पांच और इस वाले को फिर ऐसे ही लिख देना है तो इसका आ जाएगा पैंतीस इकतीस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं ग्यारह एकम ग्यारह हाँसी लगा एक ग्यारह दोनि बाईस बाईस एक तेईस हाँसी लगा दो ग्यारह 33 33 और दो पैंतीस हो जाएंगे अच्छा और जैसे बढ़े हम लोग आगे देखते हैं जैसे आपको दे रहा है थ्री सिक्स वन इसमें इलेवन से मल्टीप्लाई अभी हम बिना कैरी के बता रहे हैं बिना हासिल वाले बता रहे हैं अभी हासिल वाले भी बताएंगे आपको तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए इससे आपको एलेवन से मतलब नहीं सबसे पहले क्या करेंगे इस वन को लिख देंगे इसको इसमें ऐड करेंगे छः एक सात आ जाएगा इसको इसमें ऐड करेंगे छः तीन नौ हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका तीन तो ये आ जाएगा उनतालीस इकहत्तर अब देखिए आपने ये पढ़ा जब कैरी नहीं थे अब देखते हैं जब जिसमें हासिल भी दिया गया हो कैरी आए जोड़ने पर उनको कैसे सॉल्व करते हैं है थ्री सिक्स फोर इन टू मल्टीप्लाई विथ इलेवन अब देखो इसको कैसे करेंगे इस इलेवन से तो आपको मतलब नहीं इस चार को ऐसे ही लिख दिया अच्छा इसमें इसको ऐड करेंगे छ चार कितना हो जाएगा दस दस की यहाँ जीरो लिखिए एक हासिल यहाँ पे लिख दीजिए ठीक है फिर क्या करेंगे इसको इसमें ऐड करेंगे तो छ तीन कितना हो जाएगा नौ और नौ यहाँ पे लिख दीजिए दी तो नौ में ये एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा दस इसका हासिल का काम खत्म छः तीन नौ आए एक हासिल था दस हो गया दस की लिख दिया जीरो अब एक फिर हासिल बचा तो इसको लिख दीजिए यहाँ इसमें ऐड करेंगे तीन और एक वैसे तीन रखते हैं केवल लेकिन एक ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चार कितना आ गया चालीस जीरो चार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ग्यारह छो को चवालीस की चार ग्यारह छ को छाछ और छाछठ में जोड़ देंगे चार तो आ जाएगा सत्तर ग्यारह तेईस तैतीस और सात चालीस ये हो गया हासिल वाला एक दो क्वेश्चन और इस पर देखते हैं जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए जैसे आपको दे रहा है थ्री एट सिक्स थ्री एट सिक्स इसका इलेवन से मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या बताया इस एलेवन से आपको मतलब नहीं इसको ऐसे ही लिख देते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो आठ छः चौदह चौदह की चार हासिल लगा एक इन दोनों को जोड़ेंगे तो आठ तीन ग्यारह और एक हासिल था क्या हो गया बारह फिर एक हासिल बचा तीन को ऐसे ही लिखते इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा चार तो आ जाएगा बयालीस छियालीस ये हो गया आंसर चेक कर लीजिए ग्यारह छह छः छठ ग्यारह अट्ठासी अट्ठासी छह कितने हो जाएंगे चौरानबे ग्यारह तई तैतीस तैतीस नौ बयालीस ठीक है तो इस प्रकार ये थी आपकी वैदिक मैथ जिसको ट्रिक से बिना कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे इसी प्रकार आपको कल जब बताएंगे तो कल आपको बताएंगे चार डिजिट वाली संख्या है चार डिजिट की एलेवेन से मल्टीप्लाई करने का तरीका फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तब बताएंगे 111 से मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को आप बहुत इजी तरीके से सीख जाएंगे जैसे नौ सौ है और इसको नौ सौ से मल्टीप्लाई करें तो आप बिना कैलकुलेशंस के कैसे कर सकते हैं ये आप लोगों को हम सिखाने की कोशिश करेंगे अब जो बच्चे देख रहे हैं वो रेगुलर बने रहें रेगुलर पाँच या दस मिनट का वीडियो पड़ता है आसानी से आप देख सकते हैं किसी भी समय कहीं पर भी बैठ के पेन कापी ज़रूर ले लें जिससे आप नोट करते रहें तो याद ज़्यादा बना रहेगा घर में प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो लाइक कर दें जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने अन्य दोस्तों तक भी ये शेयर करें ठीक है जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ वैदिक मैथ में तब तक के लिए राधे राधे